बाराबंकी में अपराधियों और अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में एक गैंग पकड़ा गया है जो फूट रचित भारतीय करेंसी को स्कैन करके बनाता था और मार्केट में सप्लाई करता था। ये गैंग कई सालों से इसमें काम कर रहा था, अभी ये पकड़ा गया है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 2,11,000 रुपये बरामद हुआ है। और ये लगातार एक नोट को स्कैन करते थे कंप्यूटर में और उसके बाद उसको स्कैन करके प्रिंट करते थे A4 साइज के पेपर पे। प्रिंट करने के बाद ग्राहक ढूंढते थे, लोगों को टारगेट करते थे, उनको ग्राहक ढूंढते थे तो 3 गुना में वो सप्लाई कर देते थे। एक जैसे 10,000 रुपये उन्होंने ओरिजिनल रुपये ले लिए और उसके एवज में 30,000 रुपये उसको दे देते थे फेक करेंसी के रूप में, जो मार्केट में वो खपाते थे। इसी तरीके से ये लगातार इस क्षेत्र में फेक करेंसी सप्लाई कर रहे थे। अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर आदि जनपदों में इनका पूरा नेटवर्क काम कर रहा था और फेक करेंसी की सप्लाई हो रही थी। अभी ये गैंग पकड़ा गया है, इसके 4 साथी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कागज, मोबाइल फोन और 2,11,000 रुपये कूटरचित भारतीय करेंसी बरामद हुई है। इनको गिरफ्तार किया गया है और अब जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनको 20,000 रुपये इनाम दिया गया। ये इनका फैला हुआ गिरोह था, लगातार इस क्षेत्र में वो कर रहे थे, अयोध्या में भी काम कर रहे हैं। इसमें 4 में 3 साथी इसके अयोध्या के हैं और बाराबंकी में भी हैं, लखनऊ में भी है। ये पूरा फैला हुआ रहकर थे, लगातार लोगों को, नए नए लड़कों को टारगेट करते थे, उनको लालच दे करके उनको सप्लाई कराते थे। कड़ा संगीन वो है जो दुर्घटना पर साबित हुआ है, बिल्कुल ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जा गया है और इनके खिलाफ जो भी उचित धाराओं में विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। क्या सर प्रोसेस क्या था, कैसे नोट बनाते थे? ये स्कैन करते थे, अभी जैसा पूरा डिटेल आपको बताया हमने कि ये स्कैन करते थे नोट को, एक सिंगल नोट को स्कैन करते थे, स्कैन करने के बाद प्रिंट करते थे उसको A4 साइज पे, और A4 साइज पे प्रिंट करने के बाद वो उसको मार्केट में सप्लाई करते थे 3 गुना के उसको ग्राहक को देते थे। जैसे 10,000 रुपये का कोई करेंसी है उसको ले करके 30,000 रुपये में उसको फेक करेंसी सप्लाई कर देते थे, वो ले जाके मार्केट में चलाता था और इस तरीके से इसका फेक करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ाता था। तो मार्केट में कितनी करेंसी बेच चुके कम जगह ले रहे हैं।